अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है। पूरी कौम को मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह आपकी कुर्बानियाँ जो है वो कबूल फरमाए। मैं वैसे जी आज बाहर निकला था कराची शहर के अंदर। शहर के हालात के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। अल्लाह हमारे इस शहर का हामी नासिर हो, जिस बुरान से इसको निकाले, जिनकी गलतियों की वजह से हमारा इतना अजीम शहर यहाँ तक पहुँचा। लेकिन कराची की आवाम के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि हालात चाहे जो भी हो, बिजली हो ना हो, गैस ना हो, पानी की निकासी ना हो, शहर की इंतजामिया चाहे फेल हो जाए, लेकिन कौम का दिल देख लें आप माशाल्लाह। ये सामने एक ऊंट नहर हो रहा है और देख लें जी ये सारे पहुँचे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी कौम खड़ी हुई है माशाल्लाह सिर्फ ऊंट देखने के लिए। आप लाइवलीहुड देखें माशाल्लाह से। ये सामने भी जी ये आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह, और सारों ने अपनी बाइक्स लगा के यहाँ पे पूरा एक जमघटा लगाया हुआ है। एंड दे आर ऑल स्टैंडिंग हियर, इवन द कार्स आर देयर, द पीपल आर देयर। तो जी ऐसी जिंदा दिल कौम को मेरी तरफ से हैट्स ऑफ है, जो इतने बोरान में भी, इतनी तकलीफ में भी, इतने फुकदान में भी हंसना खेलना जानती है। और ईद की सही फेस्टिविटी कराची वालों से सीखनी चाहिए। मे अल्लाह ब्लेस कराची, मे अल्लाह प्रिजर्व पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।